हाय फ्रेंड, ताहिर बर्ड स्लोवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, अभी अलेक्जेंडर पैरोट बेबी मिल रहा है फ्रेंड मार्केटों में, और जो टॉकिंग बर्ड्स होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो को कितने एज का बर्ड्स लेना है जो टॉकिंग के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो फ्रेंड, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फ्रेंड मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें और वीडियो को पूरी एंड तक देखें। फ्रेंड, टॉकिंग करने के लिए ये साइज का बर्ड्स बिल्कुल ही सही रहता है, क्योंकि छोटा बर्ड्स बहुत ही ज़्यादा हम लोग के साथ टाइम बिताता है, तो जो शुरू से बातचीत हम करते हैं वो ये बर्ड्स सीखता है, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि बड़ा बर्ड्स लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो काटते भी और इस टाइम से ये काटेंगे भी नहीं। आप देख सकते हो इस तरह जो खा रहा है बर्ड्स, ये आपको बड़ा होके बिल्कुल नहीं काटेगा और आपके साथ अच्छे से खेलेगा, क्योंकि उसको लगेगा मुझे हैंड फीड करा रहा है। तो फ्रेंड, आप जब भी बर्ड्स लें, ये साइज का बर्ड्स लें। आप देख सकते हो मेरा तो मेल फीमेल है, आप देख लो। मैं थोड़ा लेट में दे रखा हूँ खाना, इसलिए इसका तो पूरा ये हो रखा है। तो फ्रेंड, आप जब भी बर्ड्स लें बिल्कुल यही साइज का लें, ताकि वो टॉकिंग करने में बहुत ही आसानी से टॉकिंग सीख सकता है। अदरवाइज बड़ा बर्ड्स ले लेते हैं, बहुत सारे फ्रेंड जाते हैं बड़ा बर्ड्स ले लेते हैं मार्केटों से, इसलिए ले लेते हैं कि ये छोटा बर्ड्स लेंगे, इतना छोटा तो मर जाएगा, नुकसान हो जाएगा, इसलिए ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। छोटा बर्ड्स आप देख सकते हैं, ये पूरा एक्टिव है, बहुत ही हेल्दी है, खाने के लिए पूरा एकदम जोर लगा रखा है, देख रहे हैं फ्रेंड। क्योंकि और जो बड़ा हम लेते हैं, इससे थोड़ा बड़ा 2 महीने 3 महीने का, तो वो बर्ड को थोड़ा वो ऑलरेडी बड़ा हो रखा है, तो उंगली में अपना चंगुल नहीं चुभाएगा, ये काटने के लिए करेगा, ये काटेगा नहीं, ये सिर्फ इतना छोटा ये खाने के लिए ये करेगा, देख लो ये। तो टॉकिंग के लिए मेरा सजेशन है यही छोटा सा बर्ड्स। में करीब ये 2 हफ्ता हो गया है मार्केट से परचेस किए हुए, और इसको तो मैं कई बार लेके गया हूँ, लेके आया हूँ, इसको तो मैं जहाँ से लाया वहीं छोड़ दिया था, मुझे नहीं चाहिए, ये मेल फीमेल नहीं है। फिर उसके बाद कंफर्म होने के बाद मैं फिर इसको ले आया हूँ, क्योंकि ये इसका मेरे साथ रहने का लिखा हुआ था। सुबह 3 बजे भोर में मैं जाके लेके आया हूँ इसको, 2 दिन पहले जाके नाइट में घर के आया हूँ, और फिर सुबह 3 बजे भोर में लेके आया हूँ इसको, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है ये बर्ड्स। तो आप लोग भी इतना ही छोटा बर्ड्स लें, बड़ा बिल्कुल ना ले। अभी बेबी पैरोट मिल रहा है मार्केट में और कम से कम प्राइस में मिल रहा है, तो मैं हर वीडियो में बर्ड्स वाले का नंबर दे रखा हूँ, आप मेरा वीडियो चैनल फॉलो करके वीडियो देख सकते हैं और उनमें से नंबर निकाल के ले सकते हैं। और फ्रेंड, जो भी मेरे चैनल पर नए अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक लाइक कर दें। आप देख सकते हो मैं अभी कुछ दिन बाद इसका नाम भी रखूँगा। ये जो छोटा बेबी रहता है ना, खाने के लिए बहुत ज़्यादा जिद करता है, देख सकते हो। ये अभी जो मैं इसको सिखाऊंगा वही ये सीखेगा, क्योंकि ये बहुत छोटा है तो बहुत जल्दी सीख भी जाएगा टॉकिंग करने के लिए, हमें कोई नुकसान भी नहीं होगा, परेशानी भी नहीं होगा, क्योंकि एक्टिव बर्ड्स है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्द से जल्द टॉकिंग भी सीख जाएगा और परेशानी भी नहीं होगा टॉकिंग करने में, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, बहुत जल्द इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि मेल फीमेल किस तरह पहचानते हैं, तो मैं बहुत जल्द मैं बनाऊँगा, और थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो समझाने में ईजी रहेगा। तो फ्रेंड, मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपना बर्ड्स का ख्याल रखें।